अरविंद जी और ये माता जी। उनको माता जी क्यों कहते हैं? आप किसको माँ बोलते हो? माँ किसको बोलते हैं? अपनी माँ को माँ बोलते हो कि नहीं? प्यार करते हो माँ से? माँ तुमसे प्यार करती है? क्या कर सकती है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए? बहुत कुछ। कभी तुमको आन चाने देगी तुम पे? कभी मुसीबत में डालेगी? नहीं। तो जो सबकी माँ है, जो सारे इंसान की, पेड़ पौधों की भी जो माँ है, जड़ वस्तु पशु पशु सबकी माँ कोई है जो सबको सृष्टि किए हैं, तो वो है आदि शक्ति। उनका रूप धारण करके वो मनुष्य के रूप में हमारे पास आई है, तो इनको हम श्री माँ बोलते हैं, बोले हैं माँ। ठीक है, माँ बोलते हैं। अभी तुमको जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो हमको तकलीफ होती है, वो हम उनके साथ बोल सकते हैं, इसलिए हम उनको माँ बोल रहे हैं। दुर्गा माँ की तस्वीर देखे हो, मूर्ति देखे हो, कितना हाथ है? दस हाथ है। किस पे सवार है वो? शेर पे। क्या पकड़ती है हाथ में? अगर अभी दुर्गा माँ की मूर्ति देख रहे हो, स्वयं साक्षात माँ आके खड़ी हो जाती है तुम्हारे सामने, तो कैसा लगेगा? दस हाथ लेके शेर पे सवार होके वो सच में आ जाएंगी, तो कैसा लगेगा? डर लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। और अभी माँ काली अगर आ जाएंगी, कैसा लगेगा? डर लगेगा। पर ये माँ को देखने से डर लगता है क्या? नहीं, क्योंकि अभी जो समय आया है, हम माँ पे जितना विश्वास करेंगे, माँ बोलते हैं कि मैं पूजा पाने नहीं आई हूँ, हम जो लक्ष्य के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य से इस धरती पे आए हैं, उसमें तुम्हारी सहायता करने, तुम मेरे साथ मेरे करीब आ सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ बन के आई हूँ। ठीक, तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं, अभी ये थोड़ा सा जानेंगे। आप लोग विद्यालय में क्यों आते हो? सच बोलो। पढ़ने के लिए आते हो। अच्छा लगता है? ज्ञान प्राप्त करने आते हो? ठीक है, तो इस पृथ्वी पे हम लोग क्यों आए हैं? अच्छा काम क्या होता है? बहुत खूब, सबकी मदद करना। सबकी मदद हम कैसे करेंगे वो भी हमको जानना है ना। ठीक है, एक बार पर हम क्यों आए हैं वो हम थोड़ा सा जानते हैं कि सच में हमको पता है कि नहीं कि हम यहाँ पे क्यों आए। एक बार एक गांव में बहुत बड़ा राक्षस घुस आया था, सबको मार देता था। वो राज्य में, वो राज्य के जो राजा थे, वो परेशान, बोले कि नहीं, ये ज्यादा दिन चलते रहा तो और नहीं होगा, सारे मर जाएंगे यहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि ऐसा काम करो कि मैं एक घोषणा देता हूँ, मैं पुरस्कार दूंगा, जो इस राक्षस को मार सकेगा उसको मैं अपनी आधा राज्य दे दूंगा। तो सब कोई खुश हो गए, चलो आधी राज्य मिल जाएगी हमको। फिर राजा कहते हैं, पर जो बोल के गया कि मैं मारूंगा और वापस बिना मारे आ गया, तो उसको मैं यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दूंगा। तो ये सुनने के बाद कौन जाएगा? कोई जाएगा? जो भी कोशिश करके गए कि सोचे कि चलो एक कोशिश करके आ जाते हैं, और बिना राक्षस, इधर उनको राक्षस मार देता था, नहीं तो राजा मार दिए। ऐसे कितने लोग गए आए, कुछ हो नहीं पाया। तीन नौजवान निकले, बोले कि नहीं, वो बेकार बैठे थे, बोले कि नहीं, हमको तो कुछ करना पड़ेगा, तो हम जाएंगे, राजा को बोल के गए। जैसे वो राक्षस कहाँ रहता था? एक पहाड़ी, पहाड़ के गुफे में रहता था। वहां जब वो जाते हैं, जाके पता चलता है कि एकदम जोर जोर से हवा चलती है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, क्या हो रहा है? जैसे से राक्षस के खराटे ले रहा था। मतलब राक्षस क्या कर रहा था?
सो रहा था, तो उनको लगा यही सही मौका है, जाते हैं उसको सोते वक्त उसको मार के आ जाएंगे। पर जैसे पास गए तो राक्षस के गुफा के बाहर बहुत सारे मोती जवाहरात सब भरे पड़े थे। वो सब कहाँ से आए थे? जो जिन लोगों को राक्षस मार के गिराया था, खा गया था मार के, और उनके जेवर से वो क्या करेगा, कुछ नहीं, तो वहां पे फेंक दिया था। ये जब वो लोग देखते हैं, सोचते हैं, अरे वाह, ये तो कितना अच्छा, इसको अगर हम लेके चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। तो क्या करते हैं, सारे एक साथ मिलके वो सारे जेवरात उठाते हैं और एक पोटली बनाते हैं उसमें निकल जाने के लिए। सब रेडी हो गया, फिर सोचते हैं कि ये सब लेके हम दूसरे गांव में चले जाएंगे, तब हमको कोई नहीं देख पाएगा, हम मजे से रहेंगे। जब रेडी हो गया, फिर सोचते कि अब इतने सारे जो हम सामान इकट्ठा किए हैं उसको तीन भाग में बांटना भी है। फिर बोलते ठीक है, एक काम करते, एक गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी में इसको चढ़ाएंगे, गांव जाने के बाद तीन भाग में बांट लेंगे। गाड़ी लाने के लिए कौन जाएगा? गाड़ी मतलब कुछ तो एक लेके जाने के लिए चाहिए ना। तो जो गाड़ी लेने जाएगा, एक दोस्त को भेज देते हैं कि तुम जाओ गाड़ी लेके आओ और साथ में कुछ खाना भी लेके आना, बहुत बड़ी भूख लगी है। खाना खा के चलते हैं। फिर वो गया। जब वो गया था, तभी ये दो मित्र जो थे सोचते हैं कि इतनी मेहनत हम लोगों ने की है, पर ये सारे जेवरात को तीन भाग में अगर विभक्त करते हैं तो हमारा कम हो जाएगा, सबको थोड़ा कम कम हो जाएगा। एक काम करते हैं, अगर दो भाग में बांटते हैं तो हमको थोड़ा ज्यादा ज्यादा मिलेगा, जब वो लेके आएगा खाना तब हम उसको मारता देंगे तो क्या होगा, तो दोनों को थोड़ा ज्यादा ज्यादा मिल जाएगा। ऐसा सोच के वो रेडी है उसको मारने। जैसे ही ये ऐसा सोचे हैं, वहां पे यही सोच उस मित्र के पास भी पहुंचती है। वो सोचता है कि मैं इतना कष्ट किया, मैं ये गाड़ी लेके जाऊंगा, खाना लेके जाऊंगा, वो लोग आराम से बैठे हैं वहां पे, और मैं वहां पहुंचूंगा तो तीन भाग में ही बांटेंगे, मेरा भी कम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, जो खाना लिया था उसमें जहर डाल दिया। तो जैसे ही वो पहुंचा, ये दोनों उसकी इंतजार कर रहे थे, आते ही उसको मार पी, छुरी लेके उसको मार डाले, वो वहीं पे मर गया। फिर सोचते हैं चलो एक काम तो खत्म हुआ, अभी हम थोड़ा सा खाना खा लेते हैं और इसको लेके चलते हैं वापस। तो क्या किए ये लोग, खाना खा लिए, फिर क्या हुआ होगा अभी बताओ, ये तीनों को राक्षस ने मारा क्या, राजा मारे क्या, किसने मारा, लालच, लोभ ने मारा उनको। क्यों, वो किस लिए आए थे, राक्षस को मारने, पर क्या देख के भूल गए राक्षस को मारना, बीच में जो सब उनके आकर्षण आए उसको देख के वो भूल गए कि क्यों आए थे। उसी तरह हम भी जब आते हैं, भगवान से कुछ बोल के आते हैं कि हम यहाँ आए हैं दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए मतलब अगर हम भगवान के लिए जीते हैं, भगवान को प्रकाश करने के लिए हम इस पृथ्वी पे आए हैं। अगर वो हम भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, जब हमको नौकरी की चिंता लगती है, धन दौलत पैसा, इसके पीछे भागते भागते हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो यही बात बताने के लिए, यही सच बोलने के लिए श्री माँ और श्री अरविंद इस पृथ्वी पे आए हैं, मनुष्य को उसका अपना लक्ष्य दिखाने के लिए कि हम हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। आज तक हम सोच रहे थे कि बस या तो मुनि ऋषि बन के संसार छोड़ के चले जाएंगे, या फिर यहीं पे रहेंगे, जैसे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और दुनिया छोड़कर मर जाएंगे जब टाइम आएगा तो। पर अभी समय आया है, श्री अरविंद जी कहते हैं कि इसी संसार में हम जिस लिए आए हैं, भगवान को प्रकाश करेंगे, इसी पृथ्वी पे भगवान को प्रकाश करेंगे, यही हमारा जीने का लक्ष्य है। पर उसके लिए क्या चाहिए, हर समय हम एक नया चीज, नई सोच को अपनाने के लिए प्रस्तुत होंगे, तैयार रहेंगे। जैसे श्री अरविंद जी पहले क्या किए थे, दीदी बोली क्या कर रहे थे, आजादी के आंदोलन में
भाग लिए थे और वहां पे उनको ऑलरेडी उनको खबर मिल उनको पता चल गया था कि भारत स्वाधीन होकर रहेगा। फिर वो पौंडीचेरी जाते हैं पूरे मानवता की आजादी के लिए। वहां पे जब भारत को आजादी कब मिली, हाँ 1947 15 अगस्त 14 अगस्त को उनका एक अधिभाषण था ऑल इंडिया रेडियो पे, जहां पे उनको बोला गया था कुछ अपना वक्तव्य रखने के लिए। वहां वो कहते हैं कि मेरे जन्मदिन पे, उनका जन्मदिन है तो मेरे जन्मदिन पे मुझे भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिए हैं, वो है भारत की आजादी। परंतु इस यह उपहार मिला तो है पर खंडित अवस्था में मिला मुझे। यह दिन पर ये खंडन भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे जो 5 स्वप्न है वो है पूरे मानव जाति के स्वप्न, हर एक व्यक्ति का, हर एक भारतीय का स्वप्न है, श्री अरविंद कहते हैं। उसमें से उनका जो पहला स्वप्न वो कहते हैं, पूरे स्वप्न पे तो आज हम विस्तार नहीं चर्चा नहीं कर पाएंगे, बस कुछ ही पॉइंट हम बिंदु पे चर्चा करेंगे। श्री अरविंद कहते हैं पहला स्वप्न है कि एक अखंड, एक आजाद और अखंड भारत का निर्माण। अभी भारत आजाद तो है पर वो अखंड नहीं है, खंडित अवस्था में है, संयुक्त नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण है। तो कैसे, श्री अरविंद कहते हैं कि जब 8 देश मिलेंगे भारत के साथ तभी वो भारत अपना सही भूमिका इस विश्व में निभा पाएगा, क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है, भारत का जो डेस्टिनी, उसका जो उसका डेस्टिनी जिसको हम बोल सकते हैं, वो है वो विश्व का गुरु बनेगा। गुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, बहुत सुंदर, जो हम लोगों को ज्ञान देता है। ज्ञान मतलब अंधेरा या प्रकाश, तो गुरु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। ठीक उसी तरह भारत भी पूरे विश्व को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी, इसलिए उसको गुरु, वो विश्व का गुरु बनेगा। और कैसे, अभी जैसे है अपने मन से हम उसको नहीं बोल सकते, आत्मा से जब हम परिचालित होंगे तभी वो सही में आध्यात्मिक गुरु बनेगा करके शेर में बोले हैं। तो इसीलिए अभी समय आया है, अगर हम उसी माँ की संतान हैं, उस भारत की संतान हैं, तो हम में भी वो सारे गुण अपनाने हैं जो कि भारत का है, जो कि हमारी भारत माँ का है। अभी अंग्रेज भारत पे वार किए तो क्या भारत उनसे बदला लिया, क्या किया, घृणा करती है, नहीं, सहनशीलता के साथ वो और भी प्रेम के साथ सबको अपनाती है। तो यही है सारे प्रत्येक भारतीय का जो धर्म है कि सबको वो अपनाती है और माँ सहनशीलता के साथ वो अपनाएगी। तो इसीलिए शेरविंद कहते हैं कि भारत बनेगा विश्व गुरु, जगत गुरु। और ये कैसे हो सकता है, जब हम सब मिलके उस एक सत्य के लिए जिएंगे, एक उद्धत, एक हायर, एक बहुत ही महान सत्य के लिए, महान लक्ष्य के लिए जिएंगे, तभी यह संभव हो पाएगा। क्योंकि पहले जैसे दीदी बता रहे थे, हम इंसान से पहले क्या थे, बंदर थे। अभी बंदर का क्या होता है, पूछ होता है, हम लोगों का पूछ है क्या, पर हम तो बंदर थे, पूछ कहाँ गया हमारा, दिखता नहीं है पर है। पूछ क्या होता है, जो हमारे साथ जाता है, बंदर के साथ जाता है, हमारे पूछ क्या है बोलो, क्या, जो जिस ये सब संसार के जो मोह माया से हम बंधे हुए हैं, यही हमारे पूछ है। तो शेरविन कहते हैं कि अभी ये पूछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी एक नए मानव जाति का निर्माण हो रहा है जिसको कहते हैं अति मानव। अभी समय आया है कि हम मानव के परे एक नए जाति के लिए हम तैयार हो रहे हैं, जहाँ पे हम और इस सीमित मन से हम नहीं सोचेंगे, एक नया, नई सोच, एक मन से ऊपर, मन से परे हम परिचालित होंगे, जिसको कहते हैं कि अति मानस,
द्वारा हम परिचालित होंगे। वही शेरविन जी कहते हैं कि अभी मानव से हम दिव्य मानव की ओर जा रहे हैं, इसलिए जैसे पहले बता रहे थे कि अभी ये घर संसार छोड़ के जाने का समय नहीं है, यहाँ पे रह के भोग विलास करने का भी समय नहीं है, पर जहाँ है इसी पृथ्वी को स्वर्ग में परिवर्तन करने का समय आ गया है। इसलिए जैसे कहते हैं कि ना भागना है ना भोगना है, जहाँ है वही जागना है। यही है आज का सत्य और ये प्रत्येक मनुष्य का सत्य है, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है। यही वार्ता पहुंचाने के लिए श्री अरविंद आए हैं इस पृथ्वी पे। और हमारी ये जो एक छोटी सी प्रयास है कि इस उनके 150वीं जन्म जयंती पे हम कैसे ये सच को, ये उनके वार्ता उनके विचार को सबके पास पहुंचा पाए, उसके बाद ताकि ये जो महान लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति का, समग्र मानव जाति का, उसके लिए हम अपने आप को कितने जल्द से जल्द तैयार कर पाए। Here is self-born form.